आप अगर ज्यादा करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैम पुलिस की क्या बात है, इसमें हमारे क्लाइंट्स राखी सावंत उर्फी जावेद ये सब है हमारे कोई एक नहीं भैया ये सब मत करो प्लीज, जब मना करिए तो कर दो। फोन वोन मत करिए, आप कहीं फोन का करिए, रुक जाइए। नहीं भैया। कर लो ओपन, कर लो ओपन, कर लो ये हटा दो। अरे भाई ब्रो व्हाट्सएप, कोई नहीं कोई नहीं यार दो ना, 5-6 मिनट हो गया। और कहाँ खड़ी थी? यही खड़ी थी, मैंने कहा भैया यही आएगी। किस खुशी में, जब बोला था अंदर आ जाती। यार इसमें से ना एक रास्ता इधर जाता है, नहीं वो पतला सा रास्ता है, पर बस इतना रास्ता हो कि गाड़ी निकल जाए निकाल दे। नहीं नहीं इतना रास्ता तो है अंकल, ऐसा नहीं है। अंकल मत बोलो यार, अच्छा, मैं कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, बूढ़ा कर दिया तुमने तो। भैया भैया ओके, चलो भैया से काम चला लेंगे, अंकल से तो बढ़िया। इधर इधर राइट लेना है, सीधा जाना है, दिल पे मत लो भैया। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज पता है वैसे? क्या मतलब जस्ट नॉलेज के लिए, जो हेयर की विक्स वगैरह बनती हैं फैशन इंडस्ट्री में बहुत यूज होती हैं। अच्छा एक्सटेंशन। हाँ तो वो क्या लगता है, मतलब असली वालों की बनती है नकली वालों की बनती है? सीधा सीधा जाना भैया, नकली भी बन सकती है, सीधा असली भी बन सकती है। फिर राइट लेना है। अच्छा आगे से राइट, क्योंकि वो नकली वाले असली वाले भी तो बेच लेने आते हैं लोग। हमारे एरिया भी करता है, हमारे वहाँ तो लेने आते हैं, एक किलो के कमथिंग वो पैसे देते हैं, बाल कट के कौन देगा इनको? 5,000 रुपए किलो रेट है। मेरी मम्मी बेचती है ना टूटे हुए बाल। नहीं टूटे हुए नहीं, वो पूरे मतलब। नहीं नहीं हम लोगों के साइड पे वो टूटे उठे सब ले लेते हैं। नहीं कटे हुए नहीं लेते, टूटे हुए लेते हैं, जो ऐसे झड़ते हैं वो वाले बाल लेते हैं। हमारे वहाँ सब ले लेते हैं जबरदस्ती। अरे भाई हमको पता नहीं है क्या, हमारे वहाँ सब लेने गए तो दिए हैं, हमको पता नहीं। वुमेन लोग क्या, तो भैया नहीं लेते कटे हुए बाल, बोलते हम कटे हुए। हाँ एग्जैक्टली वही वही एक्चुअली। तो हाँ नहीं लेते, नहीं लेते, ये पागल इनकी बात। अरे तुम रहने करते हो, तुम रहने चुप, बिल्कुल चुप। एक्चुअली इस कैब वाले काम के साथ एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो बालों का विक्सी बनाता है। अच्छा हाँ, तो फिर जैसे आप लोग बैठे हो वैसे ही हम पूछ लेते हैं, क्योंकि क्या है वो कंपनी में जैसे वो मैडम कह रही है पीछे कि आपके यहाँ टूटे बाल नहीं लेते। हाँ कटे हुए, हाँ कटे हुए नहीं लेते, कटे हुए नहीं लेते। इधर इधर आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनके उधर से ज्यादा बेटर है, तीनों के ही अच्छे हैं, आपके थोड़े छोटे करा रखे हैं आपने। तो हम जो कंपनी में काम करते हैं ये तो हमारा पार्ट टाइम काम है, पार्ट टाइम है, मेन पैसा वहाँ से आता है बाल काट के। हाँ बाल बिल्कुल जड़ से निकाल के फिर हम आपको विग दे देते हैं, आप वो लगा सकते हो दोबारा बाल आने तक, और इन बालों की फिर वो विग बन जाएगी कंपनी में। मस्त प्लानिंग। हाँ तो उसी के लिए मैं पूछ रहा था, तो यहाँ पे सामान वामान सब है? नहीं, पैसा बता देता हूँ मैं, सुन लिए मेरी बात। आप तीन लोग हो, अरे हंसने की क्या बात है मैम, मेरा तो कहाँ मैं तब पूछ रहा हूँ। कैब तो आप कैब के चाय बेशक से पैसे मत देना, समझ रहे हो? नहीं भैया किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मैम इंटरेस्ट से थोड़ी होता है मतलब, नहीं हमको ऐसी नीड भी नहीं है। आप तीन तीन लोगों को एक दो तो दो, कम से कम मेरा दिन खराब जाएगा बिना बात में, ये बताओ। आप पैसे तो पूछ लो कम से कम, अच्छे नहीं, पैसे नहीं, मिलते हैं। पैसे वैसे हमें जानने नहीं है, असली बाल बिल्कुल जड़ से अगर आप देते हो पूरे, उसकी एज इट इज विग बनती है, लोगों के भी काम आती है अलग अलग तरह से, आपको पता है। हाँ, तो एक आप अच्छा काम भी कर रहे हो। नहीं वो बात गजब टू भी आ जाती है आपकी, सही है, बट हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। आपको हम फिर रिप्लेसमेंट में ऐसी विग दे देंगे ना बालों की, कोई बता ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं भैया वो सब नहीं चाहिए। देखो अब बैठ गए हो तो देखो बाल तो देने पड़ेंगे किसी न किसी को, तो आप वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जबरदस्ती है एक्चुअली आप जो कर रहे हो। नहीं जबरदस्ती नहीं मैम, मेरा तो फिर घर ही इसी चीज से चलता है ना, ये बताओ। तो भैया हमें नहीं करना है। तो मैम आपके नहीं करने से थोड़ी बात बनेगी। अच्छा आप में से कोई एक तो कोई दो, नहीं तो कोई। अगर आप ये करोगे, नहीं भैया आप ये करोगे तो फिर आप
गलत है। गलत कैसे है? आप हमको भैया आप हमें आप वैसे कोई एक नहीं भैया ये सब मत करो प्लीज, जब मना करिए तो कर दो। फोन वोन मत करिए, आप कहीं फोन का करिए, रुक जाइए। नहीं भैया बस हवा निकल गई। लोकेशन बोलिए आप, लोकेशन पे चल रही है आप, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए मेरी एक बार। लोकेशन पे ड्रॉप कर भैया, आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भैया, चलना है कि नहीं चलना है? करो एटलीस्ट, दो टाइम पास कर रहे हो यार, वरना फालतू में आप करोगे तो ये तो सब गुंडा लोग रे भाग रहे। भैया आप गेट खोल देंगे हम। अरे सुनिए बैठ जाइए बैठ जाइए, रुक सुनिए तो सही, भैया जो काम है बढ़िया पैसा मिल जाएगा आपको। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? आप समझा तो करो यार, मैं कर रहा हूँ ड्रॉप, गेट बंद करो। अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप। आप ट्रिमर हटाओ भैया। अरे नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा भैया, हटाओ। अरे हटा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, मेरा तो काम है यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हमारे क्लाइंट्स राखी सावंत उर्फी जावेद ये सब है हमारे। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। उर्फी जावेद आप अगर ज्यादा करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैम पुलिस की क्या बात आ गई इसमें, बोल रहे हैं पुलिस की कहाँ से बात आ गई, कोई मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। और भैया ये लॉक खोलो पहले आप, या मैम चाइल्ड लॉक लगाया वो खोलो पहले आप। अच्छा बुला ले उसको, एक्चुअली मैं निकिता का भाई हूँ, इट वॉज जस्ट अ प्रैंक, आ जाओ बैठ जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भगवान निकिता तुम इतनी, और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या वो उतर ही गई यार? वो फोन मिला रही है बाहर उतर के, आ जाओ बैठ जाओ। कोई बाल बाल नहीं ले रहा, ये ट्रिमर चलता भी नहीं है, बैठ जाओ। खराब ट्रिमर है निकिता, मैं तुमको जान से मार देंगे। कुछ भी दिल पकड़ के बैठ गई है, जान अलग निकाल दिया। ऐसे कौन करता है यार, कभी कभी तो होना चाहिए ना। नहीं अरे यार उतर गए वो पीछे से, उतर गए निकिता, मैं भी उतर जाती, पुलिस कंप्लेन करने चले थे। अरे निकिता यार तो कितना बदतमीजी था ये, अरे यार मेरे को गाड़ी गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी मेरे को, नहीं करना आती। अरे यार मजाक था बस, क्या हो गया ये बताओ, मैं आंसू निकलने वाले तो लोगों को मजाक सोच रहे। अरे तो दो तीन मिनट भी नहीं हुआ होगा टोटल ड्यूरेशन। अच्छा अरे वो अब तक ऐसे दिल पे हाथ रखी हुई बैठी है, आप क्या हो गया, आप तो चिल हो जाओ। बकैती खत्म बैंक खत्म। तभी तो देर से बड़े मजे से बैठी थी, सीरियस हो रही थी, तो नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था। ये मुझे देख रही थी, ये कैसे बैठी है।